हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, वन इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज़ द अमॉर्फस सॉलिड। और फिर हमने दोनों को डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड की आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है। तो ये सारे सॉलिड्स हमने वन बाई वन जो है करके डिस्कस करने हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो सॉलिड्स के नेम दिए गए हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे आयनिक, मॉलिक्यूलर, ये इस बेस पे दिए हुए हैं कि उन सॉलिड्स के अंदर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसी के बेस पे उसका नाम दिया हुआ है। तो पहला सॉलिड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास आयंस होते हैं, याद रखना। और आयंस आपको पता है कि दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो टाइप्स के आयंस होते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, याद रखना है। आप देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आयंस है हमारे पास, कैटाइंस एंड एनायंस, तो इनके बीच में क्या है कि शाबाश, आपको पता है कि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव फिर पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये वाली जो बॉन्डिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी अट्रैक्शन होती है कि जो अनलाइक चार्जेस के बीच में होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बीच में होती है। और ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आपस में अट्रैक्शन हो, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन में आपस में अट्रैक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ तो एग्जांपल के बेस पे आप समझोगे। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक सॉलिड की, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप अपने घर में, किचन में यूज़ करते हो NaCl, तो शाबाश, याद रखना है NaCl का क्रिस्टल में क्या होता है कि ये जो Na है, ये NaCl ये इस फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो Na पॉजिटिव है, सोडियम है, सोडियम का जो है ये सोडियम का कैटायन है और क्लोरीन का हमारे पास क्या है, एनायन है। तो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड में मान लो ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक सॉलिड के अंदर ये दूसरा, ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक सॉलिड के अंदर, और वो सॉलिड कौन सा है, NaCl। मान लो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ वैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इन दोनों में आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बाइंडिंग। और ऐसे सॉलिड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास
जो होते हैं वो आयंस हूँ, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। इसकी जैसे एग्जांपल NaCl हो गई, KCl होगी, BaCl2 होगी, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सारी एग्जांपल जो हैं वो आपके नोट पे दी हुई हैं। तो बच्चे आयनिक सॉलिड की हमने पढ़ा और आयनिक सॉलिड्स की अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि आयनिक सॉलिड की कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स होती है आयनिक सॉलिड की, शाबाश, वो आपने ये याद रखनी है कि आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया सॉलिड्स के केस में स्टार्टिंग्स के लेक्चर में कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आयनिक सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी हाई होता है। वो इसलिए हाई होता है क्योंकि मैंने क्या बताया कि मान लो NaCl Na और Cl के बीच में मैंने क्या बताया कि ये एक कैटायन है और ये है क्या, एक एनायन है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैंने बताया आपको, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या है, हमारे पास बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो अब जितनी ज़्यादा इनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। दैट्स वाई आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाई होता है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपको कोई पूछे क्यों, तो वो आपने बताना है बिकॉज कि आयनिक सॉलिड्स हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शाबाश। ऐसे ही हमारी दूसरी आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी हम देखें तो वो क्या है, वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। शाबाश। मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, और स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो ज़्यादा ही हार्ड और ब्रिटल होते हैं। वो इस वजह से मैंने बताया कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने की वजह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो हमारे पास आयनिक सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इट इज़ अ फैक्ट के बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मॉलिक्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स आर क्लोजली हेल्ड विद ईच अदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड, हेंस दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी ये आयनिक सॉलिड की कि आयनिक सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास हाई होता है बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या है कि हार्ड और ब्रिटल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से उनमें क्लोज पैकिंग और क्लोज पैकिंग की वजह से वो क्या है, हार्ड हैं। तीसरा जो हम इसका पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझना है कि ये आयनिक सॉलिड जो होते हैं, याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट का मतलब कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हों के अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते। जैसे पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है हमारे पास वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट हो गया जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व करती हो, जैसे वाटर इज ए सॉल्वेंट, तो ये नॉन सॉल्युबल है। पोलर के अंदर ये सॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या है, ये सॉल्युबल नहीं है। तो इसको आपने समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि आयनिक सॉलिड जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसे होते हैं कि जो न्यूट्रल हों, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो जिन सॉल्वेंट्स के पास चार्ज हैं उनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मान लो हम एक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट हमारे हम ले लेते हैं कौन सा, H2O। ध्यान से समझना है, दिस इज ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। क्यों होता है? क्योंकि वाटर ब्रेक करता है शाबाश किस में, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है, समझिए। तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। इसमें हमने डाला बाहर से NaCl, दैट इज एन आयनिक सॉल्वेंट, सॉरी आयनिक सॉलिड, जो हम बाहर से डालते हैं दैट इज द सोल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये NaCl एक आयनिक सॉलिड है, तो मैंने पहले ही बताया ये किसमें ब्रेक करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो अब क्या होगा, जब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया तो अब क्या होगा, ये Na पॉजिटिव इसका और इसका वाटर का OH, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी, और इसका Cl और इसका H, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसके सोडियम जो है वो इसके OH के साथ मिल गया, इसका H पॉजिटिव इसके Cl के साथ मिल गया, तो वो जो आयनिक सॉलिड है बाहर से हम डाल रहे हैं वो डिजॉल्व हो जाएगा। दैट्स वाई आयनिक सॉलिड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, नॉन पोलर में उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, मान लो जैसे बेंजीन ले लिया, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बाहर से हमने NaCl डाल दिया, तो अब ये NaCl इसके अंदर आके ब्रेक करेगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। लेकिन अब इस Na पॉजिटिव के साथ कोई नेगेटिव जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इस Cl के साथ भी कोई पॉजिटिव जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब कोई जुड़ने वाला नहीं है, कंबाइन होने वाला नहीं है, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। तो दैट्स वाई आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होते।